हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 बाय रंजन सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक इन हिंदी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग हिंदी में सीखने वाले हैं, वो भी आपकी भाषा है दोस्तों। अपनी भाषा में सीखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, इस रिएक्टिविटी सीरीज को किस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि एग्जाम में आ जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या है, तो किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसा कि ये अरेंजेबल है, और ये जो अरेंजेबल है दोस्तों, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी कि सबसे मोस्ट जो है पोटेशियम है उससे कम, यानी सोडियम है उससे कम रिएक्टिविटी कैल्शियम में पाया जाता है, और उससे कम रिएक्टिविटी मैग्नीशियम में पाया जाता है। रिएक्टिविटी कहने का मतलब है दोस्तों अभिक्रियाशील। तो चलिए, किस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, और सबसे कम जो है वो गोल्ड में होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स का नाम लिख रखे हैं, और ये जो अरेंज है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि डिक्रीजिंग फॉर्म में है, और डिक्रीजिंग फॉर्म में मैं सबसे अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में दो ट्रिक को कवर करेंगे। जो भी ट्रिक अगर आपको अच्छा लगे उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा, आसानी से चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, क्या करना है। जैसा कि मेरा नाम रंजन पटेल है दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारा और आप सभी का YouTube चैनल पटेल क्लासेस 1024। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल होता है K। ये है सोडियम, यानी कि उससे कम रिएक्टिव होता है, इसका सिंबल होता है Na। उससे कम कैल्शियम का रिएक्टिविटी होता है, इसका सिंबल होता है Ca। इस प्रकार से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड है। तो चलिए, अब कहने का मतलब है दोस्तों कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहा जाए तो ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे तो ये मोस्ट रिएक्टिविटी होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी का हाइड्रोजन से नीचे जो आएंगे, ये सभी का जो है लीस्ट रिएक्टिविटी, यानी ऊपर वाले के मामले में नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसा कि ये एरो मार्किंग से दिखाया जा रहा है। तो चलिए, करना क्या है। तो देखिए, इस प्रकार से है KNaCaMgAlZnFePbHcuHgAu। अब इसे किस ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए कि ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट ट्रिक। तो लीजिए, फर्स्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे, काशीनाथ का माली आलू जरा फिक्के पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फिक्के पकाता है, कौन है आगे आओ। ये पूरा का पूरा इस ट्रिक में ये कवर किया गया है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। कैसे, काशीनाथ का माली आलू जरा फिक्के पकाता है, यानी कहने का मतलब है एक माली है काशीनाथ में जो आलू कैसा पकाता है, फिक्का पकाता है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कौन है आगे आओ। अब जरा समझ लेते हैं सभी का मतलब। तो देखिए, काशी का मतलब हो गया के, नाथ का मतलब हो गया Na, और का मतलब Ca, माली का मतलब हो गया Mg, आलू का मतलब Al, जरा का मतलब Zn, फिक्के का मतलब Fe, पकाता का मतलब Pb, और है का मतलब हाइड्रोजन जो है H, कौन का मतलब Cu, और है का मतलब मर्क्यूरी, जो कुछ है मर्क्यूरी Hg जिसको बोलते हैं। उसके बाद आगे यानी कि Ag जिसका मतलब होता है सिल्वर, और आओ यानी कि गोल्ड जिसको Au बोलते हैं। तो एक ट्रिक का मतलब ए नहीं होता दोस्तों कि पूरा का पूरा वर्ड उसी से रिलेट, उसी वर्ड पे बैठाए रहे, सजाए रहे, ऐसा नहीं होता है। ट्रिक का मतलब है कि बोलने में इजी पड़े और उसका फर्स्ट लेटर कुछ मैच करे, तो इसी प्रकार से होता है। तो चलिए, स्टार्ट इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फिक्के पकाता है, कौन है आगे आओ, तो आसानी से याद हो गया। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर दोस्तों। दूसरा ट्रिक क्या है, तो दूसरा ट्रिक है दोस्तों, देखिए दूसरा ट्रिक आ गया, कैटरीना
कैटरीना लिखना है लेकिन दो बार में लिखना है, कैटरी लिखना है फिर ना लिखना है। कैटरीना कार मांगे एल्टो जेन, कैटरीना कार मांगे एल्टो जेन फरारी। कौन सा कार मांगे? एल्टो जेन फरारी। फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कहने का मतलब कैटरीना नाम की जो हीरोइन समझ लीजिए या लड़की समझ लीजिए, ये मांग रही है एल्टो जेन फरारी लेकिन फिर भी इन्हें क्या मिल रहा है? सिल्वर ऑडी। तो चलिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कैटरीना कार मांगे एल्टो जेन फरारी फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब जरा समझते हैं, के कैटरीना का फर्स्ट लेटर लिया गया है के, यानी कि पोटेशियम जिसको हम बोल सकते हैं, के लिया गया है तो ए के हो गया पोटेशियम। और यहाँ पे ना ए पूरा वर्ड लिया गया है एन ए, और इस कार का दो वर्ड लिया गया है सी ए। इसी प्रकार से मांगे का एम और जी लिया गया है एम जी। उसी प्रकार से एल्टो का ए एल लिया गया है, जेन का जेड और एन लिया गया है, यानी कि कहा जाए तो जेड एन से जिंक हो गया। उसके बाद फरारी का फर्स्ट दो लेटर लिया गया है ए पी। उसके बाद फिर भी का पी और बी लिया गया है पी बी। उसके बाद है यानी एच हाइड्रोजन। उसके बाद है क्यों, क्यों का बस सिंपल याद रखिएगा सी यू सी यू। उसके बाद मिली का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी के याद रखिएगा कि एच जी होता है, इसका मतलब मर्क्यूरी का क्या होता है एच जी। उसके बाद सिल्वर यहाँ हो गया तो सिल्वर का क्या होता है सिंबल याद रखिएगा ए जी। उसके बाद ऑडी तो यहाँ पे ए यू लिया गया है ए यू। तो आसानी से इन दो ट्रिक के माध्यम से आप रिएक्टिविटी सीरीज को डिक्रीजिंग फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो इन दोनों ट्रिकों में से तो आप उसे फॉलो कीजिए और आसानी से चुटकी बजा के जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।